देश को खत्म करना चाह रहा है। इस देश के बारे में कोई कुछ बोलेगा उसका कोई वैल्यू है तो सब उल्टा पुल्टा काम करना चाहता है। अपोजिशन की तरफ से भी कोई कहता था, श्रद्धेय अटल जी सबका बात सुनते। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ तौर पर कह दिया है कि अगर भारत में किसी की बातें की जानी चाहिए, किसी की बातें सुनी जानी चाहिए तो वो केवल महात्मा गांधी हैं। इसके अलावा अगर कोई कुछ भी बोलता है तो उस बात की वैल्यू नहीं देनी चाहिए। नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जो कोई भी हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कहता है वो इस देश को बर्बाद कर रहा है। जब हम MP थे और अटल जी की सरकार थी तब भी विपक्ष की सुनी जाती थी, लेकिन आज के समय में ऐसा नहीं है। मोदी सरकार से नीतीश कुमार की जो चिढ़ है वो साफ तौर पर झलक रही है। भाजपा के साथ जाने की बात तो दूर, नीतीश कुमार उनकी बातों से भी तवज्जो नहीं रखना चाहते। नीतीश कुमार ने क्यों कहा कि इस देश में सिर्फ गांधी की बातें ही होनी चाहिए, आप देखिए इस वीडियो में। ये पूरा देश है, भारत देश है, अब विभिन्न जो धर्म के लोग हैं सब लोग हैं इस देश में, कोई मतलब है? इस देश के बारे में कोई कुछ बोलेगा उसका कोई वैल्यू है? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को छोड़ करके किसी के बारे में किसी की बात को सुनना नहीं चाहिए। अगर कोई करना चाहता है तो सब उल्टा पुल्टा काम करना चाहता है, देश को ख़त्म करना चाह रहा है। इसलिए संभव ही नहीं है जो भी देश है, आ किस तरह से उन्होंने सबको बताया और अंत में उनकी हत्या तक कर दिया, तो आप सोच लीजिए और किस तरह से समूचा सब कुछ किया गया है। और हम लोग तो भाई उन्हीं के द्वारा किए गए बातों को ही लेकर के हम लोग सब काम को आगे बढ़ाते हैं। सर कुशवाहा आज जो हम लोग बात कर रहे हैं, जननायक कर्पूरी ठाकुर, जननायक कर्पूरी ठाकुर क्या काम कर रहे हैं, या जितने लोग नेता थे कौन क्या कर, सब लोगों को मालूम था। तो इसीलिए आप समझ लीजिए कि उनके द्वारा जो देश के बारे में कहा गया है उसी पर ध्यान रखना चाहिए। अब बाकी लोगों को अभी मौका मिला है तो क्या क्या बोलता है, अब चलिए अब इस चुनौती के बाद जो जनता फैसला लेगी उसके बाद है ना सब कुछ। सर पार्लियामेंट में तमाम ओपोजिशन पार्टियों ने JPC की मांग की अडानी इशू पर, आपको क्या लगता है इस पर होनी चाहिए JPC कमेटी की? जो पार्लियामेंट में कोई भी मेंबर है जी, कोई भी पार्टी, तो उनको तो अधिकार न है, अगर कहीं कोई घटना घटती है तो उसके बारे में बोलना तो अधिकार है, उस पर ध्यान देना चाहिए। हम लोग नहीं रहे MP, जब कोई सरकार थी विरोध में कोई हम लोग थे तब नहीं सुनता था। हम लोगों की भी जब सरकार थी जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के नेतृत्व में, हम लोग ये जननायक कर्पूरी ठाकुर कहते हैं, इनके नेतृत्व में हम लोग थे, अटल जी के नेतृत्व में हम लोग थे, तो उन्हें सबका सुनते थे। अपोजिशन की तरफ से भी कोई कहता था, श्रद्धेय अटल जी सबका बात सुनते थे। अब ये सब कोई मतलब है जी, जब कोई कहता है तो लोगों की बात सुनना ना चाहिए। अब ऐसे ही किसी चीज को रिजेक्ट आप करते हैं तो अंदरूनी कुछ मामला होगा। तो आपने साफ तौर पे सुना कि नीतीश कुमार का कहना है कि जो कोई भी इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कह रहा है वो इस देश को बर्बाद कर रहा है। साथ ही नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए ये भी कहा कि आज की जो सरकार है वो विपक्ष की बातें नहीं सुनती है, सिर्फ अपनी मनमर्जी करती है। इस वीडियो में यहीं तक, तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें फर्स्ट बिहार के साथ। धन्यवाद।